हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गॉस लॉ को यूज करके जब भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है या सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उसी पे बेस्ड कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। हालाँकि मैंने बोला था कि मैं क्लास में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन एक दो जो 2-3 जो रिजल्ट है उसको मैं गॉस लॉ यूज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा ही जाता है कि राइट डाउन गॉस लॉ एंड बाय यूजिंग गॉस लॉ या प्रूव दैट गॉस लॉ बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल। ठीक है, उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैं इसके पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और मैं रिमाइंड कर दूँ आप लोगों को कि गॉस लॉ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। या यहाँ मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो पहला जो एप्लीकेशन है हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड थीन वायर एट ए डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो जैसा कि हम इसके द्वारा रिजल्ट हम जानते हैं कि कोई भी इनफाइनाइटली यदि लॉन्ग वायर है, इसके द्वारा डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2π0d, ये होता है। अब यहाँ हमने क्या मान लिया, देखो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लीनियर, ठीक है, चार्ज आप लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब मैंने जैसा कि कल बताया था कि जब भी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस हम या उसके कॉरस्पॉन्डिंग गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस सिचुएशन में अपने को गॉसियन सरफेस कैसा सेलेक्ट करना चाहिए, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यही क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके द्वारा कोई पॉइंट क्या है, पी है। कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पी पॉइंट है। ठीक है, जहां मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, एक्सिस से, दिस इज एक्सिस, एक्सिस हमने किसको माना, वायर को। तो वायर से डी डिस्टेंस, डी को रेडियस मान करके एल लेंथ का हमने क्या किया, एक सिलेंडर ड्रॉ किया। तो आप जानते हैं कि बाई सिमेट्री, देखो ध्यान से, ये क्या है, इनफाइनाइटली ये चार्ज वायर है, इसके द्वारा किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड देखोगे तो फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। जैसे इस पॉइंट पे देखना है तो रेडियली आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इधर देखना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। हर जगह देखो, ध्यान, इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर। और बाईसिमेट्री हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ई है, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ यूज करके हम जान चुके हैं कि लैम्डा अपॉन क्या होता है, 2π0 क्या होता है, डी होता है। यही अपने को प्रूव करना है बेटा, ठीक है, यही प्रूव करना है। तो हम बोल सकते हैं कि बाईसिमेट्री क्या होगा, बाईसिमेट्री बाईसिमेट्री मैग ई क्या होगा, हम बोल सकते हैं ई का मतलब क्या होगा, ई जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, क्या हो गया, कांस्टेंट। अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक एरिया लेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या किया,
ये एरिया का जो डायरेक्शन होगा, पहले ही मैं दिखा दूँ, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, देखो तो इधर ही होगा क्या? अरे रेडियली आउटवर्ड होगा। देखो तो डी ए का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम बोल सकते हैं पहला सिमेट्री क्या हो गया कि ई का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट है। सेकेंड जो क्या है, एंगल बिटवीन, देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि डी ए वैक्टर एंड क्या, डी ए वैक्टर एंड ई वैक्टर जो है वो क्या है, पैरल है। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो जो मैं फाई लिखता था, डी फाई या फाई ई जो हम लिखते हैं, फाई ई क्या लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, अब यहाँ देखो फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, ई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि फाई ई इज इक्वल टू ई, आप बाहर ले सकते हो तो ई इंटीग्रेशन डी ए। और बेटा इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा वो सिलेंडर का क्या होगा, लैटरल सरफेस होगा। तो लैटरल सरफेस एरिया आप आसानी से लिख सकते हो। तो देखो फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू लैटरल सरफेस का एरिया कितना होगा, 2πD इंटू क्या होगा, एल होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हमको क्या लिखना है, गॉस लॉ यूज करना है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, क्या होगा देखो तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब मान लो कि ये वायर जो है कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है। ठीक है, तो अब देखो फाई ई क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा, देखो लैम्डा लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं क्या, क्यू इनक्लोज्ड लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई इसमें। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझ लेना चाहिए, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है उसका वैल्यू क्या है, लैम्डा है। एल लेंथ के देखो तो क्यू इनक्लोज का मतलब क्या हुआ कि इस सिलेंडर के अंदर, जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है उसके अंदर कितना चार्ज है वही क्यू इनक्लोज होगा। तो यूनिट लेंथ के सिलेंडर के अंदर क्या चार्ज है, लैम्डा है। तो एल लेंथ के सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल होगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखो तो देखो तो ई इंटू टू पाई एल डी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो। देखो यहाँ से एल कैंसिल हो गया तो ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो। देखो तो बेटा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो मैंने बताया था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो होगा उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उससे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है या जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो डी होता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ मैंने लिखा है, ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन से इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो गॉस लॉ कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले क्या है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ई है। अब देखो उस रेडियल डिस्टेंस पे हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है क्या, सेम आपको कंसीडर ही करना है। ठीक है, सेम हो गया। अब हमको क्या करना है, पहले उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेना है, फिर उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा उसको कैलकुलेट कर लेना है, और फिर गॉस लॉ यूज कर देना है। तो आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन ये था। दूसरा जो एप्लीकेशन है जो इम्पोर्टेंट भी है कि दूसरा देखो, कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ बेटा एक नोट में एक पॉइंट लिख लेना कि गॉस लॉ केवल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या होगा कि यदि भी मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होगा, इफ क्या होगा, एल इज मच मच एल इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा डी, और ऐसे बोल सकते हैं नियरली क्या हो जाए, लेंथ ऑफ द वायर जो हो जाए वो ग्रेटर देन क्या होगा 10D से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, देन वी कंसीडर वायर इज वेरी लॉन्ग। समझ में आया बेटा, ये ध्यान रखना है। तो ये रिजल्ट, गॉस लॉ केवल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या है, सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के द्वारा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। तो पहले मैं देखो सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वन बाय वन हम देखेंगे। यहाँ मान रहे हैं कि सिलिंड्रिकल जो है वो वेरी लॉन्ग है, समझ में आया ना, सिलेंडर का जो वैल्यू है वो क्या है, लेंथ जो है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ हम मान लें यदि मैं L, यदि लेंथ ऑफ द सिलेंडर मान लूँ, ठीक है, और इसका क्या है रेडियस R दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ कि L इज मच मच ग्रेटर देन क्या है। अब देखो यहाँ क्या है, इस सिलेंडर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसमें कैविटी से भी रिलेटेड एडवांस में प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलेंडर जो है देखो यहाँ, इसके थ्रू आउट वॉल्यूम क्या है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट वॉल्यूम। समझ में आया बेटा, थ्रू आउट वॉल्यूम जो है क्या है, चार्ज जो है वो क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैंने यहाँ मान लिया कि रो क्या है, रो इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझ में आया, कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसके थ्रू आउट वॉल्यूम जो चार्ज जो है क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, केवल आप मेथड समझो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, दूसरा ये भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ये भी सिलेंडर है, अब यहाँ सरफेस पे थ्रू आउट वॉल्यूम नहीं, इसके सरफेस पे चार्ज जो है क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्या है, सरफेस पे चार्ज जो है क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यहाँ बोल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप बोल सकते हो कि इसका कुछ हो वैल्यू होगा, ठीक है, ये आउटसाइड है, समझ में आया ना। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ सिग्मा क्या है सरफेस, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ में आया, क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, एक हॉलो सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड एंड याद रखना है नॉन कंडक्टिंग, मुझे क्या करना है गॉस लॉ यूज करके क्या करना है, इन दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। याद रखना है यहां भी हमने सिलेंडर क्या माना है, वेरी लार्ज, लार्ज सिलेंडर का मतलब क्या होगा कि सिलेंडर का जो लेंथ होगा, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ये वाला रिजल्ट देखते हैं, पहला इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ये फिगर ए, सॉलिड सिलेंडर है, तो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब देखो उसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा, समझ में आया ना, टॉप व्यू समझ में तुमको ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है।
या यहाँ देखो मुझे क्या करना है, अब दो पॉइंट हो सकता है यार, सिलेंडर जो होगा सिलेंडर के अंदर फील्ड का नेचर जो होगा वो अलग होगा, सिलेंडर के बाहर जो फील्ड का नेचर होगा वो क्या होगा अलग होगा। आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली पोस्टनल टू, हम क्या बोल सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड। तो अंदर क्या है चार्ज इनक्लोज नॉट इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर, लेकिन बाहर के किसी पॉइंट के लिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज ऑन द क्या होगा सिलेंडर हो जाएगा। समझ में आया ना, ऐसा हम क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं, ठीक है समझ में आया। तो अभी आपको क्या करना है, तो यहां मैं ये कंसीडर कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला जो पॉइंट है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर है तो देखो किसी भी पॉइंट पी पे, जैसे मान लो देखो यहाँ किसी पॉइंट क्या है पी पे, मुझे क्या करना है यहाँ या इस पॉइंट पे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। किस पॉइंट पे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पे लिखना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, सिलेंडर देखो अपना क्या दिया हुआ है, सिलेंडर ये है, वेरी लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। यही एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मुझे क्या करना है यहाँ से पी पॉइंट पे क्या करना है, पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है एक्सिस से, तो स्मॉल आर एक्सिस का रेडियस मान करके, ठीक है, एक हम क्या करेंगे सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या हमने किया, एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है, क्या किया हमने, एक सिलेंडर ड्रॉ किया। हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हम कौन सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, कौन सा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है समझ में आया, क्या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बाई सिमेट्री जब फील्ड देखोगे तो अगेन फील्ड यहां भी बोल सकते हैं कि फील्ड जो होगा वो क्या होगा रेडियली क्या होगा आउटवर्ड होगा, ऐसे होगा बाई सिमेट्री, ठीक है, किधर होगा ऐसे, रेडियली क्या होगा आउटवर्ड होगा, समझ में आया ना। अब यहां भी आप देखोगे, देखो इधर मैं सिलेंडर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये आर रेडियस वाला यही सिलेंडर है, ठीक है, यही सिलेंडर है। अब इसके अंदर जो चार्ज होगा उसी से अपने को क्या है मतलब है, बाहर जो चार्ज होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर के द्वारा नेट फील्ड में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। ये वाला रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका सिलेंडर का हमने लेंथ मान लिया, क्या मान लिया, एल मान लिया, ठीक है, एल कैंसिल हो जाएगा। तो बाईसिमेट्री देखो, अब फ्लक्स किसके, नेट फ्लक्स निकालना है यार, तो ये भी सोचना है। देखो यहाँ भी आप देखोगे, मैंने क्या बताया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली क्या होगा आउटवर्ड होगा, मैंने केवल इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको इसके थ्रू देखो, इधर यदि मैं एन वन कैप मान लूँ इस एरिया के थ्रू, इसका वैल्यू ए मान लूँ स्केलर, देखो यहाँ क्या होगा एन कैप एन टू कैप इधर हो जाएगा, ठीक है समझ में आया ना, और इधर N3 कैप क्या होगा इधर होगा। तो यहाँ देखोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो तो यहाँ इधर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके थ्रू मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ फाई वन इज इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा। अरे इसके थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना यार, समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है, एक तो ऐसे ही बोल सकते हैं, दूसरे हम बोल सकते हैं कि एन कैप और ई वेक्टर के बीच, देखो यहाँ भी ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा इधर होगा, तो फाई वन जीरो हो गया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि फाई टू भी क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा फाई टू भी क्या हो जाएगा जीरो, फाई थ्री जीरो नहीं होगा। अब फाई थ्री हम यदि कैलकुलेट करें, ठीक है,
फाई थ्री कितना होगा बता सकते हो तुम लोग? अगेन देखो ये एरिया आप कंसीडर कर लो, ठीक है या पहला पॉइंट क्या है? देखो पहले तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाई अगेन बाई सिमेट्री, ये हमेशा लिखते जाना है सिमेट्री। ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आई मीन ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। कहाँ? इस गॉसियन सरफेस पे, दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया देखो, और यहां एन कैप, यहां इस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यदि इसका एरिया, इस डिफरेंशियल एरिया को क्या मान लें, डी ए मान लें, तो हम लिख सकते हैं, देखो मैं एक तो ये लिख सकता हूँ, डी ए वैक्टर इज पैरल टू अगेन क्या हो जाएगा, ई वैक्टर दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइ थ्री जब आप लिखोगे तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट क्या लिखोगे, ठीक है, आई मीन यहाँ क्लोज इंटीग्रल नहीं लिख सकते, सरफेस जो है वो ओपन है, तो हम लिख सकते हैं ई, ठीक है, डॉट डी ए, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई इंटू, ठीक है, डी ए, यहाँ इसको कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, डी ए। और अगेन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या होगा, लैटरल सरफेस का क्या होगा, एरिया। तो हम लिख सकते हैं ई इंटू क्या होगा, 2πRL। अब तुम इसके पहले वाले में बोलोगे सर आपने यहाँ क्लोज साइन लिया था, तो मैंने टोटल ले लिया था, समझ में आया ना। अब यहाँ पहले टोटल फ्लक्स जब लिखोगे, फाई टोटल क्या होगा देखो, तो फाई ई नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस क्या होगा, फाई थ्री। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा देखो, 2πRL इंटू क्या हो जाएगा ई, एक इक्वेशन मिल गया। अब बेटा मुझे क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो इंक्लोज्ड चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे बता सकते हो? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, रो तो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या लिखेंगे, क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू, ठीक है, क्या लिखेंगे इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखो, तो पाई आर स्क्वायर एल होगा क्या, अरे यही होगा ना यार, पाई आर स्क्वायर एल यही होगा ना, गॉसियन सरफेस के, आई मीन इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर लिए, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखेंगे, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, क्यू इनक्लोज रखो यहाँ से, तो देखो रो इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये डायरेक्ट ग्राफ कई बार पूछा गया, ठीक है, समझ में आया। तो अब शायद हम इसको ये कर दें, रब कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो एक इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा देखो, तो 2πRL ई इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल, तो ई इज इक्वल टू क्या हुआ, रो अपॉन 2ε0R। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, है ना, देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड सॉलिड सिलेंडर क्या है, लिनियरली एक्सिस के से क्या है, लिनियरली वैरी कर रहा है, समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर वैरी लिनियरली विद द क्या होगा, एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस, सॉरी
फ्रॉम द एक्सिस, विद द एक्सिस नहीं, आई मीन सिलेंडर के एक्सिस से जैसे जैसे आप रेडियली आउटवर्ड जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, लिनियरली बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पे। यहाँ तुम देख सकते हो जब क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो क्यू इनक्लोज मैक्सिमम क्या होगा, जितना सरफेस, जितना गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, इनक्लोज मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना सिलेंडर के अंदर चार्ज है। तो मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्या होगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर के सरफेस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि इनसाइड सॉलिड सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा क्या होगा, रो अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्या है आर, क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सिलेंडर। यदि रो क्या होगा, आप देखो वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो E इक्वल टू क्या होगा, रो अपॉन टू इप्सिलन जीरो आर, ठीक है, आर वेक्टर। अरे यही होगा ना, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा। आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब क्या हुआ, एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यदि रो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ दो पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूँ, इफ 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 रो इज ग्रेटर देन जीरो, आई मीन देन देन क्या होगा, देन ई इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इफ रो इज क्या होगा, नेगेटिव, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। देन ई विल बी क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या होगा। ये दो पॉइंट तुमको क्या करना है, याद रखना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको क्या करना है, रटे रहना है, याद कर जाना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रो अपॉन टू इप्सिलन जीरो इंटू आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब तो अंदर तो हमने लिख लिया यार, अंदर फील्ड क्या है, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। अब बाहर के लिए देख लें, बी में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के बाहर किसी भी पॉइंट के पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना है, ठीक है। तो देखो यही सिलेंडर है, थोड़ा सा मैं छोटा मतलब थीन ड्रॉ कर देता हूँ, वेरी लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, अगेन थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट वॉल्यूम, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, एक्सिस से दूर किसी भी पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखना हर जगह बाईसेमेट्री, हर जगह जो फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो अगेन हम क्या करेंगे, इसको रेडियस मान करके एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे। गॉसियन सरफेस यहाँ कैसे होना चाहिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, समझ में आया ना, क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, यही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। अब बाईसेमेट्री हम बोल सकते हैं कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है, समझ में आया ना, बाईसेमेट्री हम बोल सकते हैं कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तुम बोलोगे सर सेम क्यों होगा,
तो अभी तुमको इधर दिखाई दिया सेमेट्री से, ठीक है। अब पहले यहाँ क्यू इनक्लोज कैलकुलेट कर लो। देखो यही क्या हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन, ठीक है, सरफेस हमने माना। ई का वैल्यू यहाँ क्या है, एवरी प्लेस ई का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अगेन ए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज क्लोज सरफेस होता है, तो क्या होता है आउटवर्ड। इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो अभी मैंने बताया था, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट फाई ई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट, क्या लिख सकते हैं डी ए। और अगेन यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट थोड़ा लिख लें, पॉइंट और लिख दें। देखो कितने बार लिख रहा हूँ, बाई सेमेट्री, ठीक है, ई विल बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी कॉन्स्टेंट ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद हमने देखा एक पॉइंट ए मिल गया, उसके बाद हमने क्या देखा कि देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंड कैप आई मीन एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो हम बोल सकते हैं देखो फाई ई मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, समझ में आया। मैंने यहाँ टोटल ले लिया, तो यहाँ आप लिखोगे क्या लिख सकते हो, देखो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ई डी ए, अगेन ई हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं डी ए, और डी ए का मतलब क्या होगा, इस सिलेंडर का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का क्या होगा लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर एल, समझ में आया ना। यहाँ से एक्सिस से स्मॉल आर रेडियस का पे हमने रेडियस का हमने क्या किया है सिलेंडर कंसीडर किया है, ठीक है। तो फाई ई अपने को मालूम चल गया, क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा, क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा लिख सकते हो, देखो क्यू इनक्लोज्ड बता दो यार, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा, अरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज ऑन द क्या होगा सिलेंडर। तो हम लिख सकते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, यही होगा, अरे यही चार्ज है ना यार इस पे जितना चार्ज है इस पे, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा बता सकते हो, कितना होगा क्यू इनक्लोज, यही गॉस लॉ है ना, अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो, क्यू इनक्लोज कितना है रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो। ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन क्या हो गया टू, ठीक है। अब तुम आसानी से क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आई मीन दोनों इक्वेशन को क्या करो इक्वेट करो। तो नाउ क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन इप्सिलन जीरो इज इक्वल टू ई इंटू, देखो ई इंटू टू पाई आर एल, सही है, देखो एल से एल कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ ई इज इक्वल टू देखोगे कितना है रो, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा रो आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर अपॉन टू इप्सिलन जीरो, ठीक है, स्मॉल आर। ये आपको कुछ समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ से एक और रिजल्ट मिल जाएगा, देखो थोड़ा सा हम इसको घुमा रहे हैं, तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर हो गया, क्या हो गया आर हो गया। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा जो अपने को क्या करना है याद रखना, थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ इसको चेंज कर रहा हूँ,
मान लो कि सरफेस पे, मान लो कि सिलेंडर जो है उस पे चार्ज क्या है, क्यू है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये समझ में आया, रो आर स्क्वायर अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो आर, ठीक है। तो यहाँ फॉर, यहाँ मैं एक जगह लिखता हूँ फॉर सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, ये रिजल्ट याद रखना है बेटा, है ना, कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, ई इज इक्वल टू कितना होता है लिख देता हूँ, आपको क्या करना है इसको याद कर जाना है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो रो अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो आर, कब, जब आर क्या है, लेस देन इक्वल टू आर है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, रो अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो आर, ये कब है, जब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो अंदर जो सिलेंडर, जो आपसे कोई पूछे, कई बार ग्राफ भी पूछा गया है, देखो अब एक्सिस से, सिलेंडर के एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा, ये भी तुम ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। देखो इधर, यहाँ मैंने ए लिखा, इधर क्या है आर, रेडियल डिस्टेंस, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर इक्वल टू कैपिटल आर, आई मीन ऑन द सरफेस, दिस इज एक्सिस, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से देखोगे कि पहले फील्ड क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, क्या है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। सरफेस पे फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और फिर सरफेस से क्या हो रहा है, नॉन लीनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इज इन्वर्सली पोर्शनल टू R, इस रीजन में हम लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या होगा, R, ठीक है, समझ में आया क्या। यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम क्या होगा, फील्ड होगा, तो ई मैक्स आपसे कोई पूछे एक्सिस पे क्या होगा, एक्स सिलेंडर के एक्सिस पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एट क्या होगा, एट एक्स, सॉरी एट स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट इज ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स, और ये कितना होगा, ये भी आप लिख सकते हो, ई मैक्स का वैल्यू कितना होगा, या हम लिख सकते हैं, तो देखो ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई एस लिख रहा हूँ, आई मीन सरफेस इज इक्वल टू, ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रो अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर, ठीक है, वेयर कैपिटल आर इज द क्या होगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ क्या होगा, ई मैक्स, ठीक है, समझ में आया ना, वहाँ लिख दिया हूँ सरफेस पे, ठीक है। तो इन अंदर क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसके बाद नॉन लीनियरली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। एक रिजल्ट यहाँ और भी हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अगला पॉइंट यहाँ लिख लेना, इनसाइड इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर, आउटसाइड आउटसाइड ऑफ क्या होगा, सिलेंडर, ठीक है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर, ठीक है बेटा। अब एक रिजल्ट यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, समझ में आया, यहाँ एक रिजल्ट लिखने वाला, देखो यही मैंने वहाँ लिखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कि, या ग्रेविटेशनल फील्ड जब मैं पढ़ा रहा था तो क्या बताया था, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, एम डैश क्या था, मास इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस, जहाँ हमको क्या करना है, रेडियस, जिस रेडियस पे फील्ड निकालना है उस रेडियस
का जो स्फीयर होगा उसके अंदर मास कितना होगा वही कंसीडर करना है, वो गॉस लॉ से ही आता है। अब आउटसाइड के लिए जो फील्ड है इसको थोड़ा समय क्या कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। ये वाले फील्ड को अंदर तो तुमको मालूम है, आउटसाइड के लिए सिलेंडर जो होगा कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। तो देखो ये वाला रिजल्ट हमने क्या लिखा, ई इज इक्वल टू रो अपॉन टू इप्सिलन जीरो आर आर स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या किया देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी लिखा रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन, देखो ध्यान से, ठीक है, टू इप्सिलन जीरो क्या होगा, टू इप्सिलन जीरो, ठीक है, उसके बाद हमने पाई एल आर, देखो दिस विल बी क्या होगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा बाय द सिलेंडर, यही हुआ ना, देखो कितना अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं Q, यदि सिलेंडर के अंदर क्या है टोटल चार्ज क्या है Q अपॉन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पाई एप्सिलन 0 आर एल, और Q अपॉन एल हम Q क्या है देखो ध्यान से देखना, Q L क्या है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, L क्या है लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, Q क्या है चार्ज, चार्ज का मतलब क्या हुआ टोटल चार्ज ऑन सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस नहीं है बेटा, टोटल चार्ज ऑन सिलेंडर। Q अपॉन L क्या होता है बेटा, अरे चार्ज अपॉन लेंथ क्या होगा लीनियर, चार्ज डेंसिटी होगा क्या, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा यहाँ से, ठीक है, इसको याद कर जाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू Q अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलन 0 R, इसका मतलब समझ में आया, ये कब होगा बेटा जब R क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा, इसे ये मालूम चल रहा है, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है कि कोई भी पॉइंट है सिलेंडर के बाहर है उसके लिए सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, आइदर सिलेंडर सॉलिड हो या हॉलो हो इट विल ऑलवेज बिहेव लाइक ए थिन चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्या होगा हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, समझ में आई बात। देखो बहुत अच्छा रिजल्ट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया कि कोई भी पॉइंट है जो सिलेंडर के क्या है बाहर है उसके लिए सिलेंडर आइदर सॉलिड होगा हॉलो होगा ऑलवेज क्या होगा थीन वायर की तरह बिहेव करेगा, जो वायर उसके एक्सिस के अलोंग क्या होगा लाई करेगा, ठीक है। तो ये बेटा ध्यान में रख लेना है कि फॉर सिलेंडर क्या होगा फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड और ऑन सरफेस, फॉर ऑन सरफेस ऑफ क्या होगा सिलेंडर ठीक है, वी हैव लाइक ए लाइन चार्ज्ड, ठीक है, लाइन चार्ज विच कोइंसाइड विथ द क्या होगा एक्सिस ऑफ सिलेंडर, समझ में आया ना, सिलेंडर कुछ भी हो सॉलिड हो या क्या हो हॉलो, तो हम देखो अब कितने आसानी से फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, क्या है सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज जो है वो क्या है थ्रू आउट वॉल्यूम जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ मुझे क्या करना है पी पॉइंट पे क्या करना है फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा एक्सिस। अब इसके अंदर सिलेंडर का लेंथ मैंने मान लिया क्या है एल है,
और इसके अंदर चार्ज क्या है, क्यू है, तो पहले तो मैं लैम्डा लिख दूंगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एल, ठीक है, जस्ट ये समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है, तो इसको हम ऐसे सोच लेंगे, दिस इज क्या होगा एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को बोलेंगे तुम यार दूर चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और सिलेंडर को हमने क्या किया, एक थीन वायर से क्या किया, रिप्लेस कर दिया, जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या रख दिया, लैम्डा रख दिया, और यही पी पॉइंट है, इस पे हमने डायरेक्ट अभी आर डिस्टेंस पे है, तो बेटा इसके द्वारा तो हम फील्ड का फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है, क्या होता है बता सकते हो, देखो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन आर, यही होता है ना, ठीक है, तो देखो तो कितना आसानी से। तो यदि ये कॉन्सेप्ट आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट यदि मालूम है तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड हो हॉलो, तो कोई भी पॉइंट आउटसाइड है और उसके सरफेस पे है, ऑलवेज क्या होता है, पॉइंट मास की तरह हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। इन सिमिलर वे एनी चार्ज सिलेंडर, नो मैटर वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर विल ऑलवेज रिप्लेस बाई ए थीन वायर हैविंग चार्ज लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड लाई अलोंग द क्या होगा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप सिलेंडर को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक वायर के द्वारा रिप्लेस कर दो, वायर को किधर रख दो, एक्सिस के अलोंग रख दो और डायरेक्ट फील्ड का फॉर्मूला लिख दो। लेकिन ध्यान रखना है ये रिजल्ट तभी हम यूज करेंगे जब पॉइंट क्या होगा, सिलेंडर के क्या होगा, बाहर होगा, क्या होगा सिलेंडर के क्या होगा, बाहर होगा। अब बोलोगे सर अंदर होगा तो क्या होगा, उसके लिए भी बेटा एक ट्रिक लिखेंगे, ठीक है, क्या हम लिखने वाले हैं ट्रिक। अब अंदर होगा तो क्या करना है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, फॉर सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये पहला पॉइंट था, इसके बाद तुम ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर बोलोगे, ठीक है, फटाफट आंख बंद करके अंधे की तरह, ठीक है। अब देखो यहां फॉर एनी पॉइंट इनसाइड इनसाइड ऑफ क्या होगा सिलेंडर, इसको यूज करके हम देखो फील्ड का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर है ये, अब देखो क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ई इज इक्वल टू, इसको रट जाना है, ई इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, आर इंटू एल, ये याद रखना है, एल कैंसिल हो जाए, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, आर क्या है समझ में आया ना, आर आर मैं लिख देता हूं, क्यू क्या है देखो यहां क्यू डैश मैंने लिखा है, सबका मीनिंग लिख देता हूं, चार्ज, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड बाई द क्या होगा सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आर रेडियस का जो सिलेंडर है उसके अंदर कितना चार्ज है वही आपको क्या करना है लिखना है, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, हमने ये जो रिजल्ट लिखा कि क्या है, कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, समझ लो, बस ये ट्रिक तुमको मालूम है तो कोई गॉस लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है रे बाबा, है ना, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यही एक्सिस है, ठीक है, यहाँ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ फील्ड लिखना है, यहाँ आर डिस्टेंस पे, यहाँ ए पी पॉइंट पे, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या करेंगे यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा क्यू डैश अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर इंटू क्या होगा एल, क्या होगा टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर इंटू एल, वेयर आर इज द क्या होगा रेडियस ऑफ द क्या होगा
सिलेंडर, ठीक है, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्या है, सिलेंडर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, बस यही रिजल्ट यूज करोगे तो आसानी से क्या होगा। तो आउटसाइड के लिए सिलेंडर को क्या करो, तुम एक थिन वायर की तरह रिप्लेस कर दो, इनसाइड कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। समझ में आई बात, आ गई, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। सिलेंडर के नाना नानी काका काकी जो भी हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर के बारे में। अब देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, दूसरा जो टाइप है देखो, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू हॉलो हॉलो सिलेंडर और, ठीक है, कंडक्टिंग, याद रखना कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टर के अंदर सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज रखोगे तो वो क्या होगा, चार्ज होगा, ऑलवेज सरफेस पे क्या हो जाता है, रिसाइड हो जाता है। तो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड कंडक्टर एंड हॉलो कंडक्टर, ठीक है, बोथ विल बिहेव लाइक सेम मैनर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो कंडक्टर हो, दोनों का जो नेचर होगा सेम होगा। याद रखना, आगे मैं प्रूफ भी करूंगा कि कंडक्टर के अंदर आप चार्ज रखोगे तो टोटल चार्ज होगा, वो क्या होगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ जल्दी फटाफट बताना ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब मैं लॉन्ग मेथड यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, सॉलिड, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज क्या है, क्यू है, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है, समझ में आया। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल है, नहीं भी दिया हो तो मान लेना, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। आपको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है, चार्ज जो क्या है, सरफेस पे रिसाइड है, याद रखना, हॉलो का मतलब अंदर खाली है, है ना, अंदर खाली, जैसे अभी मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, रूम खाली है, कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह क्या है, हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, सिलेंडर के अंदर कुछ नहीं है, खाली स्पेस है, चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। अब एट एनी पॉइंट मान लो कि यहाँ यही क्या है, सिलेंडर का क्या है, एक्सिस है, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो कैपिटल आर है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि सिग्मा लिखो तो क्या लिखो, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, सही है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अंदर किसी भी पॉइंट पी पे फील्ड लिख देना है, ठीक है। तो इनसाइड के लिए मैंने क्या बताया था, इनसाइड के लिए फॉर क्या होगा, एनी पॉइंट, ठीक है, इनसाइड सिलेंडर ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल, सही है, समझ में आया ना। आर क्या होगा, जब आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आर होगा, ठीक है। अब देखो तो इसके अंदर कोई चार्ज है क्या है, देखो तो, अरे इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, सिलेंडर कंसीडर कर लो, देखो कुछ चार्ज है क्या, कोई भी सिलेंडर, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज है नहीं, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ई जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा, हॉलो सिलेंडर, ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड क्या है, जीरो है, कुछ चार्ज नहीं है, खाली है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड के लिए देखो ये ट्रिक मैंने यूज किया, दूसरा कुछ नहीं, यही तुम भी यूज करते रहो, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लो फॉर क्या होगा, फॉर आउटसाइड, फॉर एनी पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट आउटसाइड
सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, किस तरह बिहेव करेगा यार, थीन वायर की तरह। तो देखो इधर ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है, सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है, दिस इज एक्सिस, और इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पर मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सोच लेंगे बेटा, ठीक है, कि एक्सिस है सिलेंडर का जिसपे, ठीक है, दिस इज एक्सिस, सिलेंडर को हमने क्या किया, एक थीन वायर से रिप्लेस कर दिया जो किसके अलोंग है, सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग है। अब पी पॉइंट पे मुझे फील्ड लिखना है, तो आसानी से हम ईपी लिख सकते हैं, ईपी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अब तो बता सकते हो यार, देखो तो ईपी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा, लैम्डा तो दिया नहीं है यार, चार्ज दिया रहेगा, नहीं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज देखो, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अरे बताओ, सिग्मा टू पाई आर, ठीक है, क्या लिखेंगे, टू पाई कैपिटल आर इंटू एल, अरे लैटरल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई क्या होगा एल, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दो यार, आसानी से क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा के टर्म में, अब लैम्डा का वैल्यू रख दो यहाँ से, तो देखो लैम्डा इक्वल टू क्या मिला अपने को, इधर देख लो, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा, ठीक है, क्या मिला, 2 पाई आर सिग्मा मिल गया। अब वैल्यू रख दो यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा, तो ई पी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई, ठीक है, आर सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, आर, ठीक है। तो आउटसाइड जो होगा फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इनसाइड जो होगा वो फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहां हम लिख लेंगे नोट में, फॉर अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, देखो केवल ये ट्रिक यूज करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, और ट्रिक कहीं से पैदा नहीं होता है यार, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वही से कुछ एक जनरल पैटर्न बन जाता है जिसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर, देखो फॉर हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर देखो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0 कब, जब आर इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, आर, और ग्रेटर सिग्मा आर अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, आर, जब आर इज क्या होगा, ग्रेटर देन, नहीं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फॉर हॉलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, देखो यहां भी सरफेस के अंदर, तो आपसे कोई पूछे ई, ठीक है, यहां आर कितना टाइम हो गया, ठीक है, अभी टाइम है, ठीक है, अभी रहने दो, ठीक है, अंदर यही सिलेंडर के अंदर है यार, तो अंदर इनसाइड सिलेंडर क्या हो गया, 0 हो गया, आउटसाइड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो सरफेस के अंदर जो होगा फील्ड, सरफेस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा ई मैक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो होगा ई का वैल्यू, ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, कहाँ, इधर। तो सरफेस पे, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, आई मीन एट, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो इधर क्या हो गया, 0 हो गया, इधर कुछ वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, तो हम लिख सकते हैं एट क्या होगा, एट स्मॉल आर इक्वल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस,
तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, तुमको जब नीतीश सर पढ़ाएंगे कैलकुलस तो वहाँ बताएंगे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, कौन से हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को और हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। बोले सर कॉम्प्लिकेट क्या करना है, अब बताइए। तो देखो कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा अब एक एग्जांपल देख ले, देख लो ई एक्स, ये होमवर्क है बेटा और जनरली एडवांस के लिए है, ठीक है। देखो क्या है, सिलेंडर है, मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, टॉप व्यू ऑफ क्या होगा सॉलिड सिलेंडर, समझ में आया ना, ठीक है। टॉप व्यू मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखो यही क्या है, ये सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर है, इधर इसके अंदर समझ में आया ना, कैविटी रे बाबा, कैविटी पढ़े हम लोग, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर टॉप व्यू, आई मीन ऊपर से जब दिखोगे तो ये क्या होगा, एक डिस्क की तरह तुमको दिखेगा, समझ में आया ना। इस पेन को जब ऊपर से देखोगे तो डिस्क से समझ लो कि डिस्क दिख रहा है, ठीक है। इसका ये वाला जो रेडियस है आर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अफकोर्स ये जो कैविटी है इसका जो रेडियस है क्या, आर बाई टू है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ, रो दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है, समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया कि ये सॉलिड ये सिलेंडर ऑफ आर बाई टू रेडियस इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। ये कौन सा फिगर, टॉप व्यू दिखाया गया, समझ में आया ना। देन देखो, देन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ कैविटी इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट होगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, देखो C1 ये C2, तो मैं अभी लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर भी लिख देता हूँ, दैट इज यहाँ लिख देता हूँ, या तो नहीं आता है तो इसको रट जाना, ठीक है, जैसे मैंने रटा है तुम लोग भी रट जाना। तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इक्वल टू रो अपॉन 2 ε₀ C1 C2। याद आया, सॉलिड स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग, तो क्या था, रो अपॉन 3 ε₀ C1 C2। यहाँ क्या है, रो अपॉन 2 ε₀, ये क्या है सिलेंडर है, ठीक है, और दिस इज कैविटी। तो बेटा कैविटी के अंदर क्या करना है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, रो अपॉन 2 ε₀ C1 C2। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इधर होगा, हर जगह किधर होगा, इधर होगा, ऐसे, यही देख रहे हो ना। और मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, कैविटी के अंदर तुम आसानी से क्या कर सकते हो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस था, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस जनरली एडवांस में कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर गॉस लॉ का हम यूज करेंगे, और ऑलरेडी मैंने ट्रिक बताया है, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टाइप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिलेंडर नहीं पढ़ाया था इसलिए पढ़ा दिया, ये तो बताया हुआ है, कुछ नहीं, अब फटाफट हम थोड़ा सा लिखते जाएंगे, ठीक है।
अब यहां गॉसियन सरफेस क्या होगा, यहां लिख देता हूं, गॉसियन सरफेस क्या होगा, क्या होगा बेटा, स्फीयर, स्फेरिकल। समझ में आया ना तुमको, जब भी तुमको दिख जाए कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो ऑलवेज गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करना है तुमको, कैसा, स्फेरिकल। अब देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, मैंने ये मान लिया फील्ड ड्यू टू, क्या होगा, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर नहीं स्फीयर, सॉरी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है सॉलिड सिलेंडर के द्वारा फील्ड, सॉलिड सिलेंडर नहीं यार, स्फीयर, सिलेंडर सिलेंडर, ठीक है। यहां देखो सॉलिड सिलेंडर, अरे सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मानना, ठीक है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, स्फीयर। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो है, ठीक है। आपको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैं वहां लिखता था, यहां ऑलरेडी बताया था, ट्रिक बताया था क्या, कि के क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बताया था, तुम लोगों को शायद याद होगा। तो अब देखो अगला जो इसमें ई पॉइंट क्या होगा, एट एनी पॉइंट, पॉइंट इन साइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट है तो आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो यही क्या है, स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, क्या करना है बेटा, इसके अंदर सेंटर यही सी है, इसके अंदर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, जहां आपको क्या करना है, फील्ड लिखना है। तो बाईसिमेट्री अगेन हम बोल सकते हैं कि फील्ड जो होगा वो क्या होगा, तुम जानते भी हो कि फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से ऑलवेज क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, ऐसे। समझ में आया, यही हमने क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो देखो ये ई का डायरेक्शन है, एन कैप का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, देखो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इसका नाम एस लिख देते हैं, एस वन, तो फाई ई कितना होगा बता सकते हो, देखो ई डॉट क्या होगा, डी ए, हमने ए एरिया मान लिया डी ए, ठीक है। अब यहां जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह कांस्टेंट होगा यार, ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले ही, तो ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पहला तो पॉइंट ही है, कहां, हर जगह एस पे, ऑन ऑन एस वन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ई इज पैरेलल टू क्या होगा, एन कैप, आई मीन थीटा क्या होगा, जीरो हो गया। तो यहां जब लिखोगे फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ई कांस्टेंट ले सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट नहीं कॉमन, तो डी ए, और यार डी ए का मतलब क्या होगा, इस एस वन सरफेस का एरिया, तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटू फोर पाई आर एस, सही है। अब क्यू इनक्लोज भी हम मान लें कि क्यू डैश, बाद में क्यू डैश का वैल्यू लिखते हैं, जो मैंने वहां लिखा था उसको मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है। अब हम लिखे हैं क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्यू डैश जो मैंने लिखा था, ठीक है, और क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, ये भी तुम लिख सकते हो, देखो क्यू अपॉन क्या होगा, आर क्यू इंटू आर क्यू, सही है, समझ में आया, ठीक है। यदि चार्ज, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया होगा रो, तो रो लिख लेंगे, क्यू दिया हुआ तो की के टर्म में आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी सब बताया हुआ है। यहां हमने लिखा, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, गॉस लॉ, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं तुम लोग, क्या हो जाएगा ई, ठीक है, फाई, देखो तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, Q
क्यू इनक्लोज्ड, अभी हमने क्या मान लिखा था देखो, क्यू डैश अपॉन इप्सिलन जीरो, फाई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है देखो, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिखा, क्यू डैश अपॉन इप्सिलन जीरो, देखो यही ट्रिक लिखा था वहाँ, ई इक्वल टू क्या हुआ, क्यू डैश अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो आर स्क्वायर, यही लिखा था क्या, याद आया, यही फार्मूला लिखा था वहाँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो आर स्क्वायर, वेयर क्यू डैश इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा, स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ क्यू डैश का वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ से ये ट्रिक लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ जब ई लिखोगे तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो आर क्यू इंटू आर, ये लिखा था बेटा, और भी लिखा था, क्या लिखा था देखो, ई इक्वल टू रो अपॉन थ्री इप्सिलन जीरो आर, ये भी लिखा था बेटा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। आउटसाइड के लिए क्या लिखोगे, तो देखो अभी यही फॉर्मूला यूज कर लेना है, क्यू डैश, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए भी यही फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ क्या होगा, स्फीयर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी जानते हो तुम लोग कि स्फीयर जो है वो क्या है, पॉइंट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन मुझे गॉस लॉ यूज करना है तो देख लो, यही सेंटर है, यहाँ मुझे क्या करना है, पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लेंगे, दिस इज स्फेरिकल, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब बाईसिमेट्री तुम देखोगे कि हर जगह फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, होगा यार, ऑलरेडी हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ई जो होगा वो क्या होगा, ई कांस्टेंट हो गया कहाँ, ऑन एस वन, इसको मैं एस वन मान लेता हूँ, एस वन सरफेस। उसके बाद हमने देखा यहाँ कि ई इज पैरेलल टू क्या होगा, एन कैप, एन कैप क्या है, यहाँ एरिया मान लो ये डी ए है, तो डी ए वैक्टर का क्या होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। अब आसानी से तुम फ्लक्स लिख लो, तो फ्लक्स तो अभी फ्लक्स थ्रू एस वन क्या होगा, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ई इंटू डी ए, और ये कितना होगा, ई इंटू क्या होगा, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाई टोटल फ्लक्स थ्रू क्या हो गया, फ्लक्स थ्रू एस वन, समझ में आया, आई मीन इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब गॉस लॉ क्या है देखो, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होगा, इस पर अब यार इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलन जीरो, वैल्यू रख दो तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलन जीरो, ठीक है। यहाँ से ई हमने लिखा क्यू अपॉन कितना हो गया, फोर पाई एप्सिलन जीरो आर स्क्वायर हो गया। देखो तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एनी पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड सॉलिड स्फीयर विल बी हैव लाइक ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, जो ऑलरेडी हम क्या है पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल, और यदि चार्ज दिया हुआ है तो उस चार्ज की वजह से किसी भी सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कल इसके इसमें एक और लेक्चर हम देखेंगे और उसके बाद गॉस लॉ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये फिनिश हो जा रहा है, अभी इसके बाद
जब तक हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते रहेंगे, गॉस लॉ का यूज हम करते रहेंगे जहाँ जहाँ जरूरी होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अच्छे से नोट्स लिखो, तुम लोग इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है, और डाउट हो तो तुम डाउट पूछो। ओके, थैंक यू।